Morning students, today we will continue our lesson number 2, what is around us. Last chapter में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमारे आसपास में क्या है, तो हमने पढ़ा था लिथोस्फियर कैसे फॉर्मेशन हुआ, फायरबॉल आया था, फायरबॉल टकराया, फिर कूल डाउन हुआ, फिर उसमें से रॉक हुआ, वॉल्केनिक एंड ऑल, वो सब पढ़ा था हमने, ठीक है, इंट्रोडक्शन में. उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, लिथोस्फियर में क्या था, जमीन, हम जो रॉक है नीचे की उसके बारे में, ठीक है, हमने शॉर्ट में देखा था पहले. फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब वाटर, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में खाली बताया था कि लिथो में क्या आता है, तो रॉक, फिर हाइड्रो तो वाटर है, ओशन है, वो सब के बारे में. फिर एटमोसफियर, एटमोसफियर में क्या होता है, गैसेस होती है अलग अलग, तो वो हमने देखा था. अब हम आज उसको अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके. सब लोग अपने अपने बुक्स खोलो, नोटबुक खोलो और राइट डाउन करो, अगर मैं जो बोलूँगी वो नोट डाउन करना है अपनी बुक में, ठीक है. चलो, लिथोस्फीयर तो हमने देख लिया था, द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज नोन एज लिथोस्फीयर. लिथो मीन्स क्या होता है, लिथो मीन्स रॉक है ना, रॉक होता है, स्फीयर मीन्स लेयर, रॉक का पूरा जो लेयर होता है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं. और द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल्स. जो अपर लेयर है सॉइल का और सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल, अर्थ का हमने देखा था अपर लेयर सॉइल और सॉलिड मटेरियल से बना है. ये जो है अर्थ का अपर लेयर सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, हमने देखा था ये वाला पॉइंट. और उसको क्या, जैसे कि लाइक रॉक, अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल लाइक रॉक, ठीक है. अप्रोक्सीमेटली 29% ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लिथोस्फीयर. और हमने ये भी देखा था लिथोस्फीयर से कितना परसेंट जो है अर्थ कवर है, कितना परसेंट है, याद है किसी को, देखो तो अपने बुक में आगे लिखा था कितना है, 29% है ना. अब आगे नेक्स्ट जो है, दिस लेयर और ये लेयर कितने थिकनेस सेंटीमीटर तक है थिक, तो हमने देखा था 64 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर सॉरी थिक, ये तो हमने देखा ही था लास्ट टाइम, ठीक है. अब आगे, द थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज नॉट सेम एवरीवेयर, सब जगह पे सेम नहीं होती, कहीं ऊंचा कहीं नीचा कम ज़्यादा होती है, वो जो है मोस्टली सॉइल एंड रॉक से बना है. ये हमने देखा था लैंड फॉर्म्स में कौन से फॉर्म्स आते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली आर सीन ऑन लिथोस्फीयर, ये सब हमें दिखाई देता है लैंड फॉर्म में लिथोस्फीयर के अंदर, ठीक है. द टेम्परेचर इंक्रीजेस एज वी गो, हाँ हमने पढ़ा था जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे जो है टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा. लेट मी शो यू, ये देखो कुछ ऐसा, ये है ये, ये जो है कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसमें हमने हमें कैसा दिखाई देगा है, पहले एक लेयर है वो व्हाइट कलर का है, उसके ऊपर एक लेयर है वो येलो है, उसके ऊपर और एक लेयर है वो रेड है, ठीक है. और फिर उसके ऊपर यहाँ पे उन्होंने हमें क्रस्ट दिखाया है, ऐसा है, ठीक है. इसमें हमको उन्होंने ऐसा जो दिखा है, बीच वाला जो है व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर, फिर ये येलो और ये जो है वो रेड, दिस वन इज रेड, दिस वन इज येलो एंड दिस वन इज व्हाइट,
ओके। और ये जो है और हमारा बाहर वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे अंदर वाला ये जो है वो क्या है, इनर कोर, क्या है, इनर कोर, ठीक है। और उसके बाहर वाला येलो कलर का क्या है, आउटर कोर, ठीक है। ये सबसे अंदर इसके इनर, ये सबसे बाहर, ये उसके बाहर इसके आउटर। फिर रेड कलर का ये जो है ये क्या है, मेंटल, MNTLE वाला, ठीक है, MNTLE वाला, TE वाला बिल्कुल नहीं। और ये जो है ऊपर वाला पार्ट, ये यहाँ पे जो है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट। ये जो पार्ट है वो क्रस्ट, ये इनर कोर, ये आउटर कोर और ये मेंटल, ठीक है। समझ में आया सबको और सब किस तरीके से ये जो है वो बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमको ब्लू और ग्रीन जो दिखाई देते हैं वो नॉर्मली वो वाला पार्ट है। इतना समझ में आया इसमें। और आगे हम पढ़ेंगे, और हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे दोनों साइड से प्रेशर आता जाता है तो प्रेशर जो है बैलेंस हो जाते हैं। और अगर प्रेशर को भी ऐसा यहाँ से बहुत ज्यादा बाहर वाला प्रेशर बैलेंस ना हो पाए तो क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल आता है कौन, मैग्मा, ठीक है ना। और डज नॉट ब्रेक, सॉरी, उसके अंदर वॉल्केनिक इरप्ट होता है और क्रस्ट जो होता है ये ब्रेक हो जाता है, ये बहुत प्रेशर होने की वजह से ब्रेक होकर बाहर आ जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्ट। समझ में आया। अब आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर क्या है, लिक्विड कंपोनेंट है अर्थ का। और उसके अंदर कौन सा वो इंक्लूड होता है, अर्थ के अंदर कौन सी प्लेस इंक्लूड होती है, मैंने लिखा है था लास्ट टाइम बुक में, देखो तो आगे कौन से होती है, ओशन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर एंड स्ट्रीम्स, ये सारी उसके अंदर इंक्लूड होती है प्लेसेस। समझ में आया, ठीक है। अब आगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, सरफेस पे द एरिया ऑफ वाटर इज मोर देन ऑफ लैंड। हमने देखा है कि जो यहाँ पे ये जो सरफेस होता है ये बाहर वाला, that carries a huge amount
बड़े बड़े
वैली है हमारे यहाँ पे, डिप ऑफ 10 to 12 किलोमीटर आर लोकेटेड एट देयर बॉटम। और वैली कहाँ पे, तो 10 to 11 किलोमीटर बॉटम, उसके एकदम नीचे वाले सरफेस पे वो लोकेटेड है, ठीक है। द ओशन बेड हैज सिमिलर फीचर्स लाइक दैट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। और ओशन का जो ऊपर का सरफेस है वो कैसा है, सेम है जैसे अर्थ का सरफेस है उसी तरह, ठीक है। इट हैज हाई अमाउंट, इट हैज हाई माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वास्ट प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा। और वहाँ पे क्या क्या है, हाई माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे अर्थ के ऊपर अलग अलग जैसे अर्थ का जो है सरफेस इसके ऊपर क्या है, तो माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वास्ट प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जैसे अर्थ पे वैसे ओशन में भी उन्होंने बोला सेम फीचर्स होते हैं ओशन में, ठीक है। यस, ओशन कंटेन्स 97% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ओशन टोटल कितना अमाउंट ऑफ पानी है हमारे अर्थ पे, ठीक है, कितना है 97%। पोल में है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल हमने पढ़ा था,
वो हिमालय, हिमालय ऊपर अर्थ में जो ऊपर यहाँ पे हिमालय है वहाँ पे हिमालय है एंड अदर माउंटेन्स और दूसरे सारे माउंटेन्स में, समझ में आया। और सम वाटर इज एक्यूमुलेटेड इन लेक्स एंड सम फ्लोज इन रिवर एंड सम इज स्टोर इन इंटीरियर ऑफ अर्थ एज ग्राउंड वाटर। अब 97 में से 1/3 जो है ग्लेशियर में है, बाकी कहाँ पे है तो कुछ जो है उसमें से पानी फ्लो होता है लेक में है, कुछ जो फ्लो होके रिवर में जा रहा है, कुछ स्टोर है अर्थ के अंडर, ग्राउंड वाटर है उसके अंदर में, समझ में आया। द अमाउंट ऑफ पोटेबल मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी लेस, हमारे पास जितना पीने का जो पानी है 97 में से वो बहुत कम है। फ्रेश वाटर इज प्रेशियस और जो हमारा पीने का पानी है वो कैसा है, बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है हमारे लिए। दिस फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस और जो ये फ्रेश वाटर हमारे पास है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लिविंग बींग्स के लिए एग्जिस्ट करने के लिए, जीने के लिए हमको पानी चाहिए पीने के लिए, उसके बिना हम नहीं रह सकते। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन तक उससे ज़्यादा हम नहीं जी सकते, है ना, तो वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द मॉइस्चर फॉर रेन विच इज मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम ओशन ओनली, और जो मॉइस्चर फॉर रेन जो है वो कहाँ से आती है, विच इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, रेन जो है वो एक मेन सोर्स है हमारा जहाँ से हमें वाटर मिलता है, कौन सा, फ्रेश वाटर पीने का पानी कम्स फ्रॉम द ओशन ओनली। ओशन में से हमने वाटर साइकिल पढ़ा है साइंस में, वाटर साइकिल में क्या होता है जो रिवर में जो और ओशन में वाटर होता है इवेपोरेट होने के बाद ऊपर चला जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में और ऊपर जाके प्रोसेस होता है उसमें से फिर क्लीन होके नीचे ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर आता है हमारे पास, पढ़ा था। दिस फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एग्जिस्टेंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए चाहिए। और द मॉइस्चर फॉर रेन, मॉइस्चर फॉर रेन विच इज मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, मॉइस्चर फॉर रेन, रेन के लिए जो मॉइस्चर होता है वो और मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर कहाँ से आता है तो कम्स फ्रॉम द ओशन ओनली, ओशन में से ही क्लीन हो के आता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। वैल्यूएबल केमिकल्स मिनरल्स सॉल्ट फिशेज एक्सेट्रा फाउंड इन सी, अब ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे डैश आर फाउंड इन सी, या तो मैं पूछूंगी व्हाट आर फाउंड इन सी, तो आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे बताओ, मैं लिखती हूँ नोट डाउन कर लेना। वैल्यूएबल केमिकल्स मिनरल्स एक जगह से दूसरे
वे भी है ना, पढ़ाया हमने छोटे स्टैंडर्ड में। अब हम आगे का थोड़ा देखते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन मैं यहाँ लिखती हूँ, नोट डाउन कर लेते हैं। बताओ तो वो हमें लिखना है, पर इतना समझ में आया यहाँ तक
इसमें कोई क्वेरी है किसी को? नहीं, अगर है तो एक बार अच्छे से रीड करना और फिर देखना कि कहीं पे कुछ है ऐसा कि ना समझ में आए तो हम लास्ट में फिर से रिवाइज करते ही है, उसमें फिर ध्यान देना। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है।